नवीनबय आवाजचा विशेष कार्यक्रम बातो बातो में या कार्यक्रमामधून नवीनबय आवाजचे मुख्य संपादक श्री मोहिद्दीन जेड्डी यांनी माजी आमदार विवेक पाटील यांना बोलतं केलेलं आहे. मोहिद्दीन जेड्डी यांनी विचारलेला प्रत्येक प्रश्नावर मनमोकळेपणाने विवेक पाटील यांनी आपली उत्तरं दिलेली आहेत. यामध्ये प्रशांत ठाकूर यांच्यावर टीका असो किंवा येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये आपली प्रचाराची रणनीती आणि कशाप्रकारे येणारं निवडणूक आणि मतमोजणी असेल यावर सविस्तर चर्चा केलेली आहे विवेक पाटील यांनी. पाहूयात नवीनबय आवाज विशेष कार्यक्रम बातों बातों में या मधुन. सर, आप पनवेल के लोगों के लिए क्या ऑफर कर रहे हैं? इनको क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं आप, एलिगेशंस कर रहे हैं. शेखा पक्ष को अगर मैं वोट दूंगा तो क्या मिलेगा? एलिगेशन नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट बता रहा हूं. नहीं, बट आपका क्या प्लान्स हैं? हमारे प्लान्स ये है कि पनवेल का पानी का प्रॉब्लम जो है, पनवेल बोलेगा तो पनवेल ओल्ड सिटी नहीं है, पनवेल बोलेगा पनवेल महानगर पालिका एरिया में पानी का प्रॉब्लम हम 2 साल के अंदर खत्म कर देंगे. 2 साल के अंदर उसका प्लान पूरा हमारे पास तैयार है, मास्टर प्लान तैयार है. देखो, पनवेल में पानी बहुत है, पनवेल में बहुत सारे डैम्स है, पनवेल में पानी के बहुत सारे नेचुरल सोर्स है. देखिए, आप इस कर्नाटा स्पोर्ट्स में, इसमें हमें पानी बहुत लगता है, छिड़को का पानी हमें नहीं मिल पाते. हमने कुआ खोद दिया, वेल कर दिया, मेरा आधा रिक्वायरमेंट वो वेल से पूरा हो जाता है. ऐसे नेचुरल सोर्सेस है, वो भी हम करेंगे. और पनवेल में एक ऐसा इंग्रजों ने जब 150-200 साल पहले ये गाढ़ेश्वर धरण बनाया, ग्रेविटी के साथ पानी आता है. मेरे ख्याल से और मुझे जो मालूम है, उसके अंदर एक ही ऐसी ये वाटर सप्लाई स्कीम है कि जहाँ क्या है, इंजन नहीं है, पंपिंग स्टेशन नहीं है, ये थेट ग्रेविटी से पानी पनवेल तक आता है. उस खाली वो गाढ़ेश्वर डैम का अपन गाल निकालेंगे ना अंदर का, तो भी 50% प्रॉब्लम सॉल्व, वो भी नहीं किया. तो ज़्यादा पैसे की जो ये नहीं है, मैंटेलिटी नहीं है, तो वो हम कर देंगे. ट्रैफिक के प्रॉब्लम के लिए अभी पनवेल ओल्ड सिटी है, अपने सब अपने रेलवे स्टेशन है, मार्केट्स है, वहाँ जाके आप देखेंगे तो पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है. तो इसलिए मल्टी स्टोरेज पार्किंग हम लोग बनाएंगे, वो काम हमने हाथ में लिया और हम जरूर हाथ में ले लेंगे. वो प्रॉब्लम है. अभी ये गार्बेज का प्रॉब्लम है, जैसे वेस्टर्न देश में, कंट्रीज में, जैसा जिस तरह से एकदम साइंटिफिकली उसके ऊपर प्रक्रिया किया जाती, उस टाइप से हम करेंगे. उसके लिए पोल्यूशन कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ आपको गार्बेज दिखेगा ही नहीं, अच्छी तरह से काम होएगा. अभी देखो, भारत देश में स्वच्छता अभियान मोदी जी ने लिया है, खाली महात्मा गांधी का चश्मा दिखा है. मुझे बताओ, पुणे में क्या पोजीशन है, मुंबई में क्या पोजीशन है, ठाणा में क्या पोजीशन है, नवी मुंबई में क्या? नवी मुंबई तो चलो राष्ट्रवादी के पास है, लेकिन ठाणा, मुंबई, नागपुर, अभी पुणे, अभी चिंपरी, ये तो इनके ताबे में ना. क्या किया अभी पुणे में, 8 दिन क्या हो गया, सब बंद करके रखा था. अभी सीएम ने जाके रिक्वेस्ट किया महीने के लिए, महीने के बाद वही होने वाला है, कौन सा ऐसा. तो ये जो मेन प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की, जो आदमी के ऊपर, पक्ष के ऊपर जो दिल में हिम्मत चाहिए, वो इनके पास नहीं, जो हम करवा के दिखाएंगे. और आपको मैं एक बताना चाहता हूँ यहाँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी होगी ये सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, एजुकेशन. आप देखते हैं, मुंबई में जाओ, ठाणा में जाओ, नवी मुंबई में जाओ, कहाँ भी कॉरपोरेशन एरिया में जाओ, क्या लोगों की हालत है, लोगों को एडमिशन के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितने डोनेशन देना पड़ता है, कितना फीस के प्रॉब्लम होते हैं, कितने पेरेंट्स के फीस के ऊपर से मोर्चे निकाले जाते हैं, कितने संबंध क्या कर रहे हैं लोग. मैं आपको बता, हमने ऐसा एक प्लान निकाला है कि कॉरपोरेशन के तरफ से CBSE स्टैंडर्ड एजुकेशन हम 0-12 तक दे देंगे, जिनको ये लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ये किसी ने अभी तक सोचा भी नहीं है, ये तो सोचा भी नहीं है. और मैं आपको बताता हूँ, ये सारे मेट्रो सिटीज हो दे चाहे महानगर होने दो, इसमें 70% लोग इसको फेस करते हैं. पाटिल साहब, जिस तरह से एलिगेशन हो रही है, कैंपेनिंग चल रहा है, इश्यूज तो हैं, जिस तरह से आप सवाल रेस कर रहे हैं, और एक ओवरऑल जो एक माहौल अक्सर बनता है पनवेल इलाके में इलेक्शंस को लेकर, वो हो जाता है एक पर्सनैलिटी क्लैश का. आप और रामसेठ ठाकुर एक साथ थे पहले शेखा पक्ष में, फिर अलग हो गए हैं. उसके बाद में हर इलेक्शन में ऐसा लगता है कि विवेक पाटिल वर्सेस रामसेठ ठाकुर, ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए क्या है, वो हर टाइम पार्टी चेंज करते हैं. जिस आदमी को खुद को ये अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि अपन कहाँ भी रहे, जिस पार्टी में जहाँ भी रहेंगे, मैं मेरे कार्य के ऊपर चुन के आऊँगा, ये कॉन्फिडेंस राम ठाकुर के पास आए, ये कॉन्फिडेंस उनका लूज हुआ है, इसलिए वो हर बार कुछ ना कुछ बहाने बना के पार्टी चेंज करता है. और सवाल ये रहा कि ये इलेक्शन में क्या होगा, ये इलेक्शन में वही होगा जो मैं बोलता हूँ कि इन्होंने, मैंने जैसे बताया, कार्य
कार्यक्षमते के बारे में बताया, कार्यक्षम तो कुछ किया नहीं। अभी सवाल पैदा करते हैं पारदर्शक कारोबार का, क्या पारदर्शकता है इसमें? इसको अगर दूसरी तरह से पूछो तो क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन एक पॉलिटिकल फ्यूचर सेट करेगा पनवेल इलाके का? देखो, पॉलिटिकल सेट करना इलेक्शन से नहीं होता है। पॉलिटिकल सेटिंग जो होती है वो पार्टी का थिंकिंग के ऊपर होती है, पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से काम करते हैं, पार्टी के ऑफिस बेरर किस तरह से काम करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। ऐसा नहीं कि पिछले लगातार दो बार हमारा असेंबली इलेक्शन में चुनाव में हम हार गए तो इसका मतलब ऐसा नहीं शेखा पक्षी यहाँ से गया, बल्कि दो बार हारने के बाद भी पार्टी के वर्कर विचार थिंकिंग के ऊपर खड़े हैं, लोगों के काम करने की थिंकिंग हर एक दिल में है। तो इलेक्शन हारने के बाद भी हम लोग वैसे ही है जैसे पहले थे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2009 में प्रशांत ठाकुर चुन के आए, वो खुद के बलबूते पे नहीं आए बल्कि वो राहुल गांधी के नाम पे आए। 2014 में मोदी जी के नाम पे आए, अभी दोनों कार खलास करके रखे हैं। जैसे आपके टीवी में प्रोग्राम रहता है हेल्पलाइन ये करो ये चीज़ ये लो वो लो, वो उनके कार्ड जो है वो कार्ड खत्म हो गया। मेरे को 60 प्लस सीट हमारे आ जाएंगे। 78 में से आप बोल रहे 60 प्लस जरूर आएंगे, 100% आ जाएंगे। मुझे किस बेसिस पे आपको लगता है ये मैं बताया ना, इनके ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है, इनके सब कार्ड खत्म हो गए हैं, इनके कार्ड चलने वाले नहीं है।